अस्सलाम वालेकुम। नूर किचन प्लानेट में एक दफ़ा फिर हाज़र हैं। आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आज आपको अपने किचन गार्डन का टूर कराऊंगी। आज मैं आपको अपने किचन गार्डन में लेके आई हूँ। आइए देखिए, और ये दूर से आप सारा जूम करके मैं दिखा रही हूँ। ये इतनी सब्ज़ियाँ लगी हैं, एंड तक लगी हैं, और चले आए आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। ये स्टार्टिंग में हमारे पास लेमन ग्रास का पौधा है। बहुत से लोग मेरे से लेके भी जाते हैं, घरों में लगाते हैं, और जब आपने पीना हो इसमें से थोड़ा सा काटें और इसको लगाएं। ये हमने प्याज लगाए हुए हैं, अभी कुछ दिन ही हुए लगाए, हफ्ता 10 दिन हुए ये लगाए हैं। और ये साथ साथ हमने गोभी लगाई हुई है, ये नीचे बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं। सर्दी चूँकि बहुत है इसलिए उनकी ग्रोथ ज़रा स्लो हो रही है, लेकिन ये लगी हुई है। ये लहसुन है, ये देसी लहसुन है, और इसको महीना दो हो गया, 1.5 महीना लगे हुए। और ये फार्मी लहसुन है, ये भी हमने लगाया है। साथ हमने इसके किनारों पे पालक लगाई हुई है। इतनी ज़रूरत नहीं होती पालक की, लेकिन हमने थोड़ी बहुत जो चाहिए होती है हमने यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ ये पुदीना है, ये पुदीना लगा हुआ है, अभी इतना ग्रो नहीं किया हुआ सर्दी की वजह से। आगे धनिया है, धनिया देखिए हमारा कितना अच्छा है। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं किचन गार्डन से काटती हूँ और यहाँ से लगाती हूँ। ये देखिए मटर हैं हमारे, ये सारे एंड तक मटर हैं। इतने अच्छे तो नहीं हुए, लेकिन ये देखें एक एक पौधे पे कोई 6-7 मटर लगे हुए हैं, और माशाल्लाह सारा कुछ हमने लगाया। और ये किनारों पे हमने हर के किनारों पे गोभी लगाई हुई है। ये है गोभी, और देखिए छोटी सी उस पर गोभी का फूल भी निकल आया। ये कवर हमने किया हुआ है, ये आपको दिखा रहे हैं। इसमें हमने हरी मिर्चें लगाई हैं, और ये भी ग्रो नहीं की क्योंकि ठंडी बहुत है। थोड़ी सी ठंड ख़त्म होगी तो फिर ये ग्रो करेंगे। पालक है, ये किनारों पे लगाई हुई है, और ये सरसों का साग देखिए हमने लगाया हुआ है। ये देखिए ये सरसों का साग है, सरसों के फूल हैं, ये इधर से ये सारा सरसों का साग है, और ये सारा ये बीच में से हमने काटा हुआ, काट के पकाया हुआ है। इसी टमाटरों के पौधे हैं, ये सारे तक लगाए हैं। जैसे ही थोड़ी सी ठंड कम होगी इनको हम उतारेंगे तो ये फल देने लग जाएंगे, इनके टमाटर लगने शुरू हो जाएंगे। पौधा ये सर्दी की इसको कवर नहीं किया तो ये देखें जल गया है। ये वो हमने नए लगाए हैं, वो नीचे अभी गोभी भी है काफ़ी, और उसमें और ये छोटे छोटे ये आलू हैं हमारे। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक आलू लगे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए हैं आलू। और ये देसी लहसुन लगा हुआ है दोनों साइड पर। लहसुन हमने काफ़ी लगाया, जगह थी तो लहसुन हमने एंड तक लहसुन है, और एंड में साग भी है। और ये देखेंगे हमारे टमाटर कितने बड़े बड़े हो गए, कभी हमने कवर किया हुआ। जैसे थोड़ी सी धूप निकलेगी उतारेंगे इसको तो इसमें इंशाल्लाह टमाटर लगने शुरू हो जाएंगे। आगे आए आप, ये धनिया देखें ये बड़ा हो गया, बारिश हो रही थी तो इस तरफ आए नहीं है तो कितना बड़ा बड़ा हो गया। ये आगे आए, आगे ये मूलियाँ लगी हुई हैं, ये देखें ये देखें मूलियाँ हैं, वो देखो नज़र आ रही हैं मूलियाँ। आगे आगे तो आगे ये शलजम लगे हुए हैं, ये देखिए शलजम है, ये देखिए शलजम है, ये पूरे शलजम की क्यारी है, ये सारे शलजम। और आगे ये मेथी है बीच में, इसके शायद कहीं गाजरों का बीज मिल गया, मिक्स हो गया तो ये बीच में ये सारी मेथी। आगे आए तो ये भी हमारा साग था, ये इसके ये ख़राब हो गया। गोभी का पौधा है, कितना बड़ा हो गया, और ये आगे साग है, सारा एंड तक साग है।
ये था हमारा किचन किचन गार्डन सारा। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब किचन गार्डन में मैं आती हूँ, दिल खुश हो जाता है, आँखों को भी ठंडक मिलती है ग्रीन हिल से, और घर की चीज़ें भी साग भी है। मैंने मेरा ख्याल एक दफ़ा बाज़ार से, मैं बहुत शौकीन, मेरे बच्चे भी बहुत शौकीन हैं साग से, तो मैंने मेरा ख्याल एक दफ़ा मंगवाया है। आज भी ये जो हुआ हुआ थोड़ा बहुत ये तोड़ के आज भी मैं पकाऊँगी इंशाल्लाह। साग की तो मैंने पहले भी आपको दी है, मकई की रोटी की भी दूँगी रेसिपी। आप लोग के पास भी अगर घर में जगह थोड़ी सी भी जगह है तो कम से कम धनिया पुदीना ये चीज़ें पालक ये आप लगा लें, ये रोज़ाना के इस्तेमाल किए चीज़ें। ठीक है, अगर देखिए आपको हमारा किचन गार्डन अच्छा लगा है, इसकी हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी लगी हैं या ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्टे होम स्टे सेफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।